जय माँ काल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो ASC सेंटर साउथ 280C में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, पूरी जानकारी आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ASC सेंटर साउथ 280C में आप लोग की प्रीवियस में एक रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई थी जिसका कि प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और एक न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग की निकाल दी है ASC सेंटर साउथ 280C के अंतर्गत। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ऑफलाइन आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे तो स्टूडेंट काफ़ी समय से परेशान थे, ऑफलाइन भर्ती नहीं आ रही है। सर ऑफलाइन भर्ती की जानकारी दीजिए। तो आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला, एक बड़ी ऑफलाइन भर्ती आप लोग को देखने को मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करके आप लोग वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे ASC सेंटर साउथ 280C की वैकेंसी की पूरी डिटेल मिलने वाली है। 236 टोटल वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। कुक LDC, टिन स्मिथ, बार बार ट्रेडमैन, मेट लेबर की आप लोग की वैकेंसी है। इसी प्रकार से ASC सेंटर नॉर्थ 180C बेंगलोर में आप लोग की MTS चौकीदार, सिविलियन मोटर ड्राइवर, क्लीनर, व्हीकल मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर की आप लोग की वैकेंसी। ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आप लोग की 12/5/2023 यहाँ पे रहने वाली, रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। चलिए इसके अलावा आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को पूरी डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। जी हाँ, 22/4 से 12/5/2023 तक आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑफलाइन की जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे आप लोग जुड़ जाइए ताकि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ऑफलाइन भर्ती आप लोग उससे मिस ना हो सके। तो यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है। वैकेंसी की डिटेल आप लोग को दी है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है पूरी डिटेल, सैलरी वगैरह की जानकारी आप लोग को दी गई है। इसमें आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। जी हाँ, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आप लोग को क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। जैसे कि लेबर के लिए आप लोग 10th पास होने चाहिए और अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए। ट्रेड्समैन मेट के लिए आप लोग 10th क्लास पास हैं, अपने कार्य में प्रोफिशिएंट है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक ही फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह दी है इसमें आप लोग को। एज, जी हाँ, एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज आप लोग की 12/5/2023 से काउंट होगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर की एज जनरल वालों की 18 से 27 है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी सभी पोस्टों के लिए 18 से 25 साल जनरल रहने वाली है। OBC, SC, ST को जैसे बेनिफिट मिलता है मिलेगा, यानी OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का एज में बेनिफिट मिलता है। चलिए एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह की जानकारी दिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कहाँ पे आप लोग को फॉर्म भेजना है। यदि आप लोग 280C बेंगलोर भेजना चाहते हैं तो कहाँ भेजेंगे, ठीक है। यदि आप लोग नॉर्थ 180C भेजना चाहते हैं तो कहाँ भेजेंगे, सिलेबस की जानकारी दी है। और इसमें सबसे नीचे आप लोग को आना। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे टेलीग्राम का लिंक दिया, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म डाउनलोड का लिंक दिया, जी हाँ, इस पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म डाउनलोड करेंगे। और नोटिफिकेशन का लिंक दिया है तो नोटिफिकेशन वाले लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है, फॉर्म को आप लोग को अप्लाई करना है, ऑफलाइन सभी डॉक्यूमेंट लगा के आप लोग को भेजने हैं। तो ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो मेरा देखिएगा, वेट कीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आप लोगों से ना हो। 22/4/2023 से आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को पोस्ट बताया गया, यानी कि ASC सेंटर साउथ में आप लोग यदि अप्लाई करते हैं तो आप लोग की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है कुक, CSCI, LDC, टिन स्मिथ, बार और ट्रेड्समैन मेट लेबर की। इसी प्रकार से यदि आप लोग नॉर्थ 180C बेंगलोर के लिए अप्लाई करते हैं तो 7 वैकेंसी यहाँ पे आप लोग की MTS चौकीदार, सिविलियन मोटर ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, क्लीनर, व्हीकल मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर रहेगी। तो यदि आप लोग नॉर्थ में अप्लाई करना चाहेंगे तो नॉर्थ वाले एड्रेस पे आप लोग को भेजना है, और साउथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो साउथ वाली पोस्ट पे आप लोग अप्लाई करेंगे तो साउथ वाले एड्रेस पे आप लोग को भेजना पड़ेगा। तो किसी भी एड्रेस पे भेजेंगे एक ही फॉर्म आप लोग को अप्लाई करना है। तो आप लोग देखेंगे ASC सेंटर साउथ 280C में जो वैकेंसी निकल के आई है, कुक की 2 वैकेंसी है यहाँ पे। इसी प्रकार से सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की आप लोग की 19 वैकेंसी निकल के आ रही है। LDC की आप लोग की 5 वैकेंसी निकल के आ रही है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट की 109 वैकेंसी, काफ़ी बड़ी वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट की निकल के आ रही है, यहाँ पे 109 वैकेंसी है। और टिन स्मिथ की 8 वैकेंसी है, बार की 3 वैकेंसी है, टोटल 146 वैकेंसी निकल के आ रही है साउथ 80C में। इसी प्रकार से ASC सेंटर नॉर्थ 180C में आप लोग देखेंगे यहाँ पे MTS चौकीदार की 17 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 37 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसी प्रकार से क्लीनर की 5 वैकेंसी निकल के आ रही है मेल कैंडिडेट। इसी प्रकार से व्हीकल मैकेनिक मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 12 वैकेंसी निकल के आ रही है। और पेंटर की 3 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर की 11 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन की 1 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं।
फायर इंजन ड्राइवर की 4 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्थ ATC की जो आप लोग की वैकेंसी है इसमें मेल कैंडिडेट, साउथ में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 236 वैकेंसी A to Z जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी हाँ, इसी प्रकार से यदि आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आप लोग को कोई वैकेंसी नहीं है। फायर इंजन ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर, फायरमैन और क्लीनर की पोस्ट के लिए, बाकी अदर ट्रेड पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओनली वन ट्रेड, यानी कि एक ट्रेड के लिए ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नहीं तो फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा यदि एक से अधिक ट्रेड के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। और इसमें आप लोग को ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते समय, ताकि आप लोग का एडमिट कार्ड वगैरह घर पे आ सके, मैसेज वगैरह आप लोग को सेंड किया जा सके। और फॉर्म के साथ साथ मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस, और इसके अलावा SC ST OBC PWD कैंडिडेट तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे लगाना है। EWS से अप्लाई करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग को चाहिए होगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे वैकेंसी की डिटेल दे दी गई, जैसे कुक की वैकेंसी है, एक वैकेंसी न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में, यानी कि किस किस स्टेट में, किस किस जगह पे, कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी हैं, सारी डिटेल आप लोग को दी गई है। ट्रेड्समैन मेट का भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ, ट्रेड्समैन मेट की दीमापुर, गंगटोक, ठीक है, इसी प्रकार से लेबोंग लेक, जहाँ जहाँ पे वैकेंसी है पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है। तो वैकेंसी की डिटेल आप लोग ले लेंगे, बार बार की 3 वैकेंसी है, बेंगलोर में ही है। और इसमें आप लोग को नीचे आना, MTS चौकीदार में आप लोग देखेंगे, अम्बाला, बेंगलोर, देहरादून, इसके अलावा लुधियाना वगैरह में, तो पूरी डिटेल आप लोग को दी है। ये सब चीज़ें आप लोग रीड करेंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त है वो है आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो देखिए, यदि आप लोग कुक के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और कुकिंग की जानकारी होनी चाहिए। डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो अच्छी बातें, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा, आप लोग डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट मांगा गया कैटरिंग में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है लेकिन डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टिन स्मिथ की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 35 वाट पर मिनट कंप्यूटर पर। इसी प्रकार से बार्बर के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए, अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए और यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांग लिया गया है। बार्बर की पोस्ट के लिए पेंटर के लिए 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पेंटिंग की जानकारी आप लोगों से होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। कारपेंटर के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, कार्य की जानकारी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। MTS चौकीदार की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है, अपने कार्य की जानकारी है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों से मांगा गया हैवी और लाइट दोनों व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए, लाइट व्हीकल और मीन्स HMV LMV दोनों होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों से 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है ड्राइविंग मोटर व्हीकल का, तो HMV LMV 2 ईयर एक्सपीरियंस और इसके अलावा 10th क्लास पास। फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आप लोग को इक्विपमेंट वगैरह यूज़ होते हैं उसके मेंटेनेंस और पूरी जांच, मतलब उनकी पूरी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, अप्लाइंस से ट्रेलर पंप वगैरह, फाइटिंग वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को फायरमैन के लिए जरूरी हैं। ट्रेड्समैन मेट, जी हाँ, ट्रेड्समैन मेट की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 100 से ज़्यादा वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट की निकल के आई है, इसमें 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपने कार्य की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लीनर के लिए 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मैं आप लोग क्लियर कर दूँ। व्हीकल मैकेनिक के लिए 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग को रीडिंग यानी कि पढ़ना, नाम को जो भी आप लोग के नंबर वगैरह, टूल्स, व्हीकल इंग्लिश हिंदी में, ठीक है, जो भी टूल्स वगैरह हैं, व्हीकल्स वगैरह हैं, उनके नंबर्स लिखना और रीडिंग करना वगैरह, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। इसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को मांग गया है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए आप लोग 10th क्लास मीन्स आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को कुछ फिजिकल भी मांगा गया है, ठीक है। फायरमैन के लिए भी आप लोग को, जी हाँ, नीचे आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ऊपर यहाँ तक आप लोग का क्वालिफिकेशन है लेकिन अब आप लोग का नीचे फिजिकल स्टैंडर्ड। फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग का PET PST होने वाला है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड और एंडोरेंस टेस्ट आप लोग का होने वाला है। तो फायर इंजन ड्राइवर में आप लोग की हाइट 165 होनी चाहिए, ST कैंडिडेट हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा, चेस्ट 81.5 फुलाव के बाद 85 है, वेट 50 kg मिनिमम होना चाहिए और एंडोरेंस टेस्ट में आप लोग का यहाँ पे 63.5 kg 183 मीटर 96 सेकंड में आप लोगों को कंप्लीट करनी है, 2.7 मीटर का आप लोगों को क्लियरिंग, यानी कि दोनों
लॉन्ग जंप आप लोग को करना है दोनों पैरों से, और 3 मीटर की आप लोग को वर्टिकल चढ़ाई है दोनों पैरों का यूज करते हुए, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से फायरमैन का भी यहाँ पे आप लोग को डिटेल दिया गया है, फायरमैन में भी आप लोग की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी हैं एसटी को 2.5 सेंटीमीटर का फ़ायदा मिलेगा। और इसी प्रकार से चेस्ट 81.5 और पुलाव के बाद 85 होना चाहिए, ये सभी के लिए, ठीक है। वेट आप लोगों का 50 kg रहने वाला है और मिनिमम। इसके अलावा आप लोग को स्किल टेस्ट में यहाँ पे 65.35 kg आप लोग को 183.96 m और 2.7 m दोनों पैरों से आप लोग को लॉन्ग जंप करना है, और इसी प्रकार से 3 मीटर की आप लोग को वर्टिकल चढ़ाई है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड्समैन मेट के लिए आप लोग का यहाँ पे फिजिकल है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ही आप लोग का होने वाला है, स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि हाइट वेट वगैरह नहीं देखा जा रहा। सिर्फ आप लोग की 1500 मीटर की रनिंग है, 6 मिनट का टाइम मिलेगा, और 50 kg का वेट लेकर के 200 मीटर 100 सेकंड में आप लोग को कंप्लीट करना है। एक्स सर्विस मैन है तो आप लोग को क्या क्राइटेरिया है, 40 से 45 एज है तो क्या क्राइटेरिया है, एक्स सर्विस मैन वालों को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग को कुछ और डिटेल दी गई है। लास्ट डेट आप लोग की यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि क्रूशियल डेट फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट रहने वाली है, तो लास्ट डेट आप लोग की 12 मई यहाँ पे दी गई है, उसी डेट को आप लोग को एज वगैरह काउंट होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दी जाए, सबसे पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का स्किल टेस्ट वगैरह होने वाला, ठीक है। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वगैरह आप लोग का फिजिकल वगैरह होगा। तो रिटर्न एग्जाम की जानकारी यहाँ पे आप लोग को दी गई है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, जिसमें कि आप लोग की रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, 2 घंटे का पेपर रहेगा। माइनस मार्किंग होगी, जी हाँ, 0.25 आप लोग की यहाँ पे माइनस मार्किंग रहने वाली। जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो आप लोग का इंग्लिश में होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट आप लोग के इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए होंगे। ऑफलाइन आप लोग के एग्जाम होंगे, सिलेबस की जानकारी आप लोग को नीचे दी गई है। इसके अलावा फॉर्म को कैसे भेजना है इसकी डिटेल आप लोग मेरे ऑफलाइन अप्लाई का अप्लाई वाले वीडियो का वेट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो इसकी कैसे कैसे डिटेल देनी है सारी आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई वाले वीडियो में बता दूंगा, या फिर आप लोग वेबसाइट पर जाकर के डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों को कोई डिले वगैरह नहीं होना चाहिए, फॉर्म वगैरह आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे आने के बाद आप लोग का ये फॉर्म है, फॉर्म का लिंक भी मैंने आप लोग को दे दिया है, यहाँ पर फोटो चिपकाना है, नाम वगैरह लिखना है, जो भी एड्रेस वगैरह A to Z जानकारी, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल, ये जो आप लोग को ये चीज़ दी हुई है इसको आप लोग को कट करके बाहर वाले एनवलप पे लगाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजेंगे। इसके अलावा एक एनवलप आप लोग को अंदर भी डालना है, जो कि आप लोग का रजिस्टर्ड डाक का टिकट चिपका हो, यानी कि 25 रुपये मिनिमम आप लोग का उस पर टिकट चिपका हो, जो आप लोग अंदर एनवलप डालेंगे, और बाहर भी आप लोग स्पीड पोस्ट ही करेंगे या फिर रजिस्टर्ड डाक से ही भेजेंगे। तो सारी जानकारी आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई वाले वीडियो में मिलेगा। तो A to Z जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। ऑफलाइन जो ऑफलाइन वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे, बड़ी भर्ती का, तो जानकारी मैंने आप लोग को दी है। जी हाँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोग को मिलती रहे। मिलता हूँ इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से एक होंगे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी नेक्स्ट।